जब अमिताभ बच्चन साहब निकलते थे दरवाज़ा तोड़ के, चलेगा वही जो हमारी हेल्थ के लिए सही है, सेल हमारे हेल्थ के लिए सही है, या ये छोटे मोटे आईपैड और ये सब चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बट जो सिनेमा वो कुछ और ही, वो कभी ख़त्म नहीं होगा ऐसी मैं सोच रखता हूँ, क्योंकि उसका क्रेज़ है। जब हम उससे यूनिटी बढ़ती है, हम सब एक साथ मिलके उसको देखते हैं, लोग एक दूसरे से सीखते हैं, इससे क्या हो रहा है जो ये OTT प्लेटफॉर्म है ना, ये डिपार्टेशन का काम कर रहा है। एक ही घर के अंदर मतलब चार लोग हैं, वो अपने अलग अलग कमरों में बैठ कर देख रहे हैं, लेकिन वहीं अगर थिएटर्स की बात करें तो थिएटर्स के अंदर अनजान लोग भी एक दूसरे के बराबर बैठ कर मिलते हैं। और हमारे देश की तो मतलब एक खासियत रही है कि भाई अपनापन, एक दूसरे के लिए समर्पण, और ये तो हमारी पहचान है, सो उसे हम खोए ना। OTT बहुत अच्छी बात है, बट OTT में जो फिल्में बने जैसे छोटी छोटी, तो मतलब आप प्रेफर नहीं करते? हाँ, उतना ज़्यादा मैं इससे इतफाक़ नहीं रखता, क्योंकि मैं सेल पे अपनी फिल्म देखूँ मुझे मज़ा नहीं आया। बड़े पर्दे पे, आप बड़े पर्दे का कुछ और ही असर है, बिकॉज जब आप इंस्पायर होना होता ना आपको, तो आपको इंस्पिरेशन के लिए आप जब अमिताभ बच्चन साहब निकलते थे दरवाज़ा तोड़ के, आप वो सीन अगर सेल पे देखते, आज अमिताभ बच्चन अमिताभ नहीं होता, वो बोलते अबे यार निकला था कोई है, अमिताभ निकला था। मतलब हीरो तो बड़े पर्दे को फाड़ते हुए निकले तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। हाँ, हीरो विलेन सभी बड़े इंपॉर्टेंट है, हीरोइन। सो हम एक्चुअली हम जब आइडलाइज करने लगते हैं ना, वो वही नज़र होता है जहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये कुछ है, लेकिन अब ये छोटी छोटी उनकी मतलब उनकी कहीं ना कहीं अहमियत को भी गिरा देता है। अहमियत को भी गिरा देता है, उसमें उतना अच्छा म्यूज़िक नहीं मिले, सॉरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आएगी, उसमें नॉइज़ बहुत सारा है ना। आप कहीं भी देख रहे हैं, यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है, आप सेल फोन पे देख रहे हैं, भाई उधर को ले, बहुत सारी चीज़ें इन सब से ऊपर उठ के फिल्में बना ली और हुआ है ऐसा। मैं बिल्कुल कहूँगा कुछ ऐसी फिल्में बनी जहाँ पर एक एक कम्युनिटी को ही सब कुछ मान लिया गया और किसी को गिरा दिया गया, तो ऐसी फिल्में बनी हैं, सो उसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। बॉयकॉट या नेपोटिज्म, ये दो ऐसे शब्द हैं जो आज सिनेमा से जुड़ गए, कि नेपोटिज्म है, बॉयकॉट है, नेपोटिज्म बॉयकॉट, लेकिन इससे ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। अगर देखिए मेरी फिल्म कम्फर्टेबिलिटी है, उसकी भी तो अवेलना है, सो मैं तो अपने परिवार को देखूँगा, सो वहाँ पर मैं बॉयकॉट ही करूँगा। मैं कहूँगा भाई कि हमें कुछ भी बनाने से पहले 10 बार सोचना, तो वो हमें एक्चुअली बी द चेंज हो जी। अगर धुआं उठा है तो कहीं तो आग लगी, मतलब कुछ ना कुछ गलत है तभी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ऐसा भी देखा गया कि कुछ फिल्में जो हैं वो जानबूझकर इस तरह के कंटेंट बनाते हैं या फिर इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज की शुरुआत करते हैं, जिसकी वजह से बॉयकॉट और मतलब एक तरीके से नेगेटिव ही सही, लेकिन प्रमोशन तो अच्छा किया लोगों ने, बहुत सारा किया। बट देखिए मैं वही कहता हूँ कि अच्छी हिम्मत के साथ हमेशा चीज़ आगे की बढ़ती है। सो अगर मैं या मेरा कोई भी भाई या मेरी फोटोग्राफी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो फिर आगे जाके गड्ढे तक आते हैं। बहुत धन्यवाद सर।